गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने गुजरात के मंत्री में कहा कि गुजरातियों को दो चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे हैं, दो चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना में भर्ती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी ढूंढो दिखाई नहीं पड़ते थे। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत की और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भर्ती का, वो आज खाली नहीं जाता है। गुजराती युवा आज सेना में भर्ती होना शुरू हो गया है। और जहां तक खेल कूद का सवाल है, जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, खेलो गुजरात की शुरुआत करी, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स सुविधाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको विजुलाइज किया, उसको जमीन पर उतारा, उसको मूर्त रूप दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद मैं ही आग्रह करने गया था, हम सबके आग्रह का सम्मान करते हुए वो उसके अध्यक्ष बने और एक विजन से क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट में न रहे, सारे खेल को, सारे स्पोर्ट जगत को नर्सिंग करने का काम, इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्शिता के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी। और जब स्टेडियम बनाने की बात, तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई, 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। ये जो सुविधाएं जो होने जा रही है, इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, 32 ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है, 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल, 1,14,126 घन मीटर कंक्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों, इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटे हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब सॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार का कराए। द बिल्ड ऑफ प्ले एलईडी लाइट्स लगाए हैं जिसके कारण खिलाड़ी की परछाई पिच पर नहीं पड़ेगी, खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी और क्रिकेट के खिलाड़ी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और जिसमें 40-50% बिजली की बचत भी होने वाली है। मित्रों, जिस प्रकार का हाईटेक मीडिया रूम बनाया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक मीडिया रूम है जो यहाँ खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगा। खेल चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाए, खेल चाहे सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव के अंदर खेला जाए, वो खेल को प्रसारित करने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के मीडिया रूम में है। और हाईटेक मीडिया बॉक्स जो बनाए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत आधुनिक प्रकार के बॉक्सों का सृजन मेहनत कर प्लानिंग कर जीसीए के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर आवाजाही के लिए BRTS से भी जुड़ने वाला है, मेट्रो भी यहाँ तक पहुँचने वाली है और जब ये रिवर फ्रंट का एक्सटेंशन समाप्त हो जाएगा, एक सुंदर
मां नर्मदा और साबरमती के नीर हमेशा यहां शांति और शीतलता प्रदान करते रहेंगे। इस प्रकार का एक कुदरती नजारा यहां पर बनने का काम समाप्त हो जाएगा। और मित्रों